record within a and within a year within a year he exported more than 30 containers. That's a success story, and we have many like this. So if a fresh graduate can do this kind of miracle in export, then whole India can do it. That's what confidence I want to give you. So let it be any industry, let it be any business, let it be anything. Now we are capable. India is capable. India's youth, next generation is capable. They are very fast, very aggressive. They just need some support and proper direction. उनको ये जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको सिर्फ सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज देना है और फोकस काम करना है, कमिटमेंट से उनको सक्सेस डेफिनेटली मिलता है. दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड इट मेनी टाइम्स. वेल आगे देखते तो लेट्स कम टू द आवर टुडेज टॉपिक स्टार्टअप सक्सेस फैक्टर. आफ्टर दिस सेशन आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू. ये सेशन आपको कैसे लगा वो उसके बारे में आप हमें रिव्यू कर सकते हैं. इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन को गूगल पे जाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन टाइप कीजिए और जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा आज के सेशन के बारे में आप प्लीज वहां पे लिखिए. दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेशन. राइट. वेल ओके कमिंग बैक टू द टॉपिक स्टार्टअप सक्सेस फैक्टर्स. आपको क्या लगता है पहले मैं पहले बताने से आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट डू यू थिंक. चलो मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ. सक्सेस फैक्टर बाद में देखेंगे. दो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ बिजनेस के बारे में. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. आप सारे लोग यहाँ पे आए हैं आई एम श्योर आप लोग स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सीख रहे हो. यू आर लर्निंग हाउ टू स्टार्टअप. बट टेल मी व्हाट यू वांट टू स्टार्टअप. आप क्यों बिजनेस करना चाहते हैं. बाकी सारे ऑप्शन भी होंगे, नौकरी होगी, कुछ और कुछ काम होगा, बट आपको स्टार्टअप क्यों करना है. You can type it in a chat box. I want your answer so that you know I can see what you're thinking. आता एक तर साहेब बरेच जणांचे जॉब गेलेले आहेत ना. आता असलेले काही इन्व्हेस्टमेंट असेल तर ती इन्व्हेस्टमेंट स्वतःची घालून काय करता येतं का बघायचं. ओके ग्रेट. ओके म्हणजे आता जॉब गए है और अभी कुछ करना पड़ेगा. यहाँ पे लिखा है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, इनकम चाहिए, यू नो आइडेंटिटी चाहिए. गुड आइडेंटिटी चाहिए टू क्रिएट अ ह्यूज वेल्थ. अच्छी बात है. वेल्थ किसको नहीं चाहिए. एम इन लाइफ. ओके लाइफ में एम है कि भाई दूसरी कड़े कुछ तरी नौकरी शोधायची. आता काहीतरी अमाउंट जमलेली आहे तर त्याच्यातून काहीतरी स्वतःचा स्टार्टअप केला तर दुसऱ्यांना पण हेल्प होईल आणि आपल्याला पण ग्रोथ होईल. जॉब जा चुका है लेकिन मेरे पास कुछ फंड है और मैं अभी देख रहा हूँ कि वापस नौकरी करने से अच्छा है कि मैं खुद की शुरुआत करूँ जो खुद का हो, जो मेरे कंट्रोल में हो. राइट. एम इन लाइफ. ओके ग्रेट. व्हाटएवर यू आर सेइंग इज गुड. आप सब लोग जो बोल रहे हो बराबर है. कोई बोल रहा है कि भाई उसको ग्रोथ चाहिए, बराबर, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए. You want freedom? काफी सारे लोग जॉब से पक चुके हैं कि भाई अभी जॉब नहीं करना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, भले बॉस मुझे चाहिए नहीं. ऐसे कुछ लोग मैंने देखे कि उनको बोलता कि किसी बॉस के नीचे काम नहीं करना है मुझे, मैं आई एम टायर्ड ऑफ, है ना, टायर्ड ऑफ अ जॉब. सम पीपल वॉन्ट टू अर्न, जैसे किसी ने बोला कि लाइफ का एम है मेरे, तो वी वॉन्ट टू अर्न नेम एंड फेम. बिजनेस को एक प्रेस्टीज है. बिजनेसमैन को लोग अलग तरीके से देखते हैं, उनको एक रिस्पेक्ट होता है. नीड टू इन्वेस्ट. जैसे आपने कहा कि नौकरी जा चुकी है, कुछ फंड है, इन्वेस्ट करना है भाई, कहीं से कुछ शुरुआत करनी है. आपके पास कुछ रिसोर्सेस हो सकते हैं, आपके पास जमीन है, वेयर हाउस है, शॉप है, या है ना, या और ऑलरेडी कुछ पिताजी का कुछ आपके पास है, विरासत में मिला हुआ है, तो उसको यूटिलाइज करना है. दैट कुड बी द रीजन. ऑलरेडी हैव अ बिजनेस. कुछ लोग ऐसे देखे मैंने कि नहीं सर अभी मैं तो ये बिजनेस करता हूँ, अब मैं थक गया हूँ, अभी मुझे नहीं लगता कि लड़का ये कर पाएगा, या अभी कुछ करना है मुझे लड़के के लिए, कुछ नया बिजनेस वो कर पाए, उसको अच्छा लगे, ऐसा बिजनेस सेट करना. ऐसे भी काफी लोग देखे मैंने. क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. काफी सारे लोग होते हैं कि दे आर लिटिल नहीं वेरी पैट्रियोटिक, तो उनको लगता है कि नहीं भाई देश के लिए कुछ करना है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ये भी एक अच्छा व्यू लोगों के पास होता है. या कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मेरे फ्रेंड ने बोला कि क्यों ये नौकरी विक्री कर रहा है, चल बिजनेस करते हैं, राइट, देन आई स्टार्टेड अ बिजनेस. ऐसा भी होता है. या तो किसी को सक्सेस हमने देखा कि नहीं यार वो मेरे रिलेटिव है, वो उनके दो होटल है, बहुत चल रहे, बहुत पैसा है, मर्सिडीज में घूमते हैं, और मैं क्या यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ. करेक्ट.
और मेरा फ्रेंड ने बोला या वी आर इनटू यू नो दिस एंड वी वांट टू डू दिस, या तो फिर मेरा पैशन है एंड आई लाइक इट. डू यू एग्री? इसके अलावा कुछ कारण है आपको बिजनेस शुरू करने का? मुझे लगता है कि सारे आंसर्स आपने जो भी दिए ये इसमें है. यही हमारी एक जनरल सोच है और इसीलिए लोग ज्यादा करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. बट इफ यू थिंक, आर वी फॉरगेटिंग समथिंग इन दिस? और समवन, किसी को हम लोग भूल रहे हैं यहाँ पे कि बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए? वापस एक बार देखिए, क्वेश्चन क्या था, आपने जवाब क्या दिया, राइट? तो वी आर फॉरगेटिंग समवन. क्या है वो? ये जो सारी चीजें हैं जो आपने बताई, दीज ऑल थिंग्स आर देयर फॉर श्योर. ये सारी चीजें हैं. अगर ये नहीं है तो बिजनेस करने में मजा ही नहीं है फिर, राइट? बट ये सारी चीजें जो है ये आपकी पर्सनल विशेष है. ये सारी चीजें आपकी पर्सनल विशेष है, पर्सनल नीड्स है, आपकी जरूरतें है. एंड नोबडी विल पे यू फॉर दिस. आपको प्रॉब्लम है भाई, मैं आपको 10 रुपए देता हूँ या 1000 रुपए देता हूँ, पॉसिबल नहीं है, है ना? आपको अच्छा लग रहा है, आप में पैशन है, भाई ये 1000 रुपए रख ले, तेरा बिजनेस चल जाएगा. नहीं होता ऐसे, ठीक है? तो जो भी हमने ये रीजन देखे यहाँ पे, जो आपने बताए, ये सारे आपकी जरूरतें हैं. इसके लिए कस्टमर आपको पैसे कभी नहीं देता. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर बिजनेस क्यों शुरू करना है? अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन ऑन टॉप, व्हाई यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस देन, इजंट इट? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस क्या पूछा हमने, क्या आंसर दिया, राइट? तो अगर आप देखेंगे, ये सारे चीजों के लिए कोई भी आपको पैसे नहीं देगा, तो किस लिए, क्या है आगे फिर? व्हाई यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस? वी शुड स्टार्ट अ बिजनेस टू सर्व अ कस्टमर. अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, अगर आपके दिमाग में है स्टार्टअप बिजनेस, तो आपको वो कस्टमर दिखना चाहिए पहले, जहां से आपका बिजनेस शुरू होगा. अगर वो नहीं है तो बिजनेस ही हो ही नहीं सकता. इज इट क्लियर? ओके. तो कस्टमर भी कैसा हो? कस्टमर हु हैज सम प्रॉब्लम और नीड. कस्टमर की हमेशा, कस्टमर किसे बोला जाता है? जिसको कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी कुछ जरूरत है, बराबर, वही कस्टमर हो सकता है. एक हैप्पी मैन है और जबरदस्ती आप जाके उसको कस्टमर बना रहे, वो बनेगा क्या? नहीं, वो आपकी चीज कभी नहीं खरीदेगा और आपको पैसे कभी नहीं देगा. इवन इफ ही इज रिच पर्सन, ही विल नेवर गिव यू मनी. तो कस्टमर वो होता है जिसको कुछ प्रॉब्लम है या जिसकी कुछ जरूरत है. फिर वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, नॉलेज है, इट कुड बी एनीथिंग, बट वो उसका प्रॉब्लम है, उसको वो चाहिए, करेक्ट? वेल, मतलब बिजनेस इज नथिंग बट कस्टमर. बिजनेस मतलब कस्टमर. अब बिजनेस का काम क्या है? हम सबका काम क्या है? हम लोग बिजनेसमैन है, तो बिजनेस का काम है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रॉब्लम, उसको समझना, टू लिसन टू द कस्टमर कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसे, एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, इजंट इट? कस्टमर से प्रॉब्लम समझ के क्या करना है? सॉल्व करना है. तो अगर आप कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इफ यू कुड सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम, देन इट मींस यू आर एडिंग अ वैल्यू टू योर कस्टमर्स लाइफ. फिर कस्टमर के बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व किया, या कस्टमर का पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व किया, या उसको जो भी प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व किया, मतलब आप कस्टमर के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो. वैल्यू, आपने जो काम किया उसका कुछ वैल्यू है, इसका मतलब ये होता है. और उसके बाद एंड में कस्टमर विल पे यू अगेंस्ट दैट वैल्यू, एंड दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ एनी बिजनेस प्रॉफिट. दिस इज द सिंपल फंडामेंटल ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है? तो ये याद रखिए आप. अब स्टार्टअप में क्या होता है कि कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेस होते हैं. दीज आर नथिंग बट प्रॉब्लम्स, दीज आर नथिंग बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस, यू शुड नो योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपरली, ठीक है? किस आप किसके पास जाने वाले हैं और उनका प्रॉब्लम क्या है, इसका एकदम क्लैरिटी आपको 100% चाहिए,
तभी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं. ओके, दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन. इज इट क्लियर? डज इट मेक सेंस? ये आपको समझ में आया? यस सर. यस, ग्रेट. ओके, वेल. अब ना ये हो गया पहला क्वेश्चन कि भाई बिजनेस क्यों शुरू करना है, राइट? अब और एक क्वेश्चन है आपके लिए. कस्टमर तो मिल गया, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है कि व्हाट यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस. अब कस्टमर मिल गया, उसका प्रॉब्लम समझ में आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? व्हाट यू नीड, अगेन टाइप इट इन योर चैट बॉक्स. आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग. मुझे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है. आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. ओके, फंड्स. यस, भारत का कोई भी चीज फंड्स के बिना शुरू नहीं होता है भारत में, राइट? बट धीरूभाई के पास फंड्स नहीं थे. द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया, यू नो, राइट? वेल, ओके. तो क्या लगता है आपको, व्हाट यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस? कौन कौन सी चीजें आपको लगती है बिजनेस के लिए, या जरूरत होती है बिजनेस शुरू करने के लिए? एनी आंसर? ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, आइडिया, मनी, ग्रेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस लाइफ, फंड्स, यस, मनी, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब भाई अपने इंडिया में तो बहुत ऐसा बिजनेस मतलब अलग तरीके से देखते हैं. भाई बिजनेस शुरू करना है मतलब बड़ा ऑफिस चाहिए, 4-5 लोग हाथ के नीचे चाहिए, गाड़ी चाहिए डिलीवरी करने के लिए, ऑफिस ACBC सब कुछ चाहिए, करेक्ट? उसके लिए पैसे चाहिए. फिर ये हमारे दिमाग होता है क्या, ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या है भाई? हाँ भाई बिजनेस डालना है मतलब क्या करना है, एक दुकान डालनी है, माल उसमें भरना है. दुकान डालनी है तो 10-15 लाख रुपए लगेंगे, मटेरियल भरना है तो 10-15 लाख रुपए लगेंगे, कम से कम 25-30 लाख रुपए बिजनेस के लिए लगते ही है. दैट्स अ ट्रेडिशनल थिंकिंग. मैंने भी शुरुआत में ऐसे ही किया क्योंकि बिजनेस हमने सीखा ही नहीं था. भले हमारे पास इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की सारी डिग्रियां थी लेकिन रियल बिजनेस नहीं पता था. वही ट्रेडिशनल माइंडसेट से हमने भी काम किया शुरुआत में, ठीक है? ओके, तो कस्टमर चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, मार्केट सर्वे चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए, ग्रेट. सो दैट्स फाइन, यू ऑल आर राइट. आप सबके आंसर्स बराबर है. तो लेट्स सी क्या क्या लोगों ने बोला. पैसे चाहिए, ऑफिस चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, टीम चाहिए काम करने के लिए. अकेला आदमी तो बिजनेस करेगा नहीं, कर भी सकता शुरुआत में, आगे टीम लगेगी. नॉलेज चाहिए, इजंट इट? नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा आदमी, राइट? क्वालिफिकेशन, कुछ लोगों को लगता है कि भाई डिग्री चाहिए. मेरे पास कुछ लोग आते हैं, भाई सर मेरा ग्रेजुएट, आई एम अंडर ग्रेजुएट, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ क्या? ऊपर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस. अरे भाई यहाँ पे 7वीं 5 लोग भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस की भाषा अलग है, करेक्ट? इंग्लिश से कुछ मतलब नहीं है बिजनेस का. बिजनेस की लैंग्वेज अलग होती है, उसमें प्रॉफिट, प्रोडक्ट, कस्टमर, कमिटमेंट, डिलीवरी, ये सब समझना चाहिए, राइट? क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस चाहिए बिजनेस का, उसके बिना कुछ समझता नहीं है इंडस्ट्री का. वेबसाइट चाहिए, लॉजिस्टिक्स करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा जाके प्रोडक्ट. स्टोरेज चाहिए माल रखने के लिए. मार्केट चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा. ऐसे कुछ महारथी मैंने देखे है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के भरोसे बिजनेस शुरू कर रहे हैं. सर ये प्रोडक्ट है, ये मेरे दोस्त का फैक्ट्री है, अब मैं ये नया बिजनेस लॉन्च कर रहा हूँ, मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अपॉइंट की है और वो मेरे को डायरेक्ट रेडीमेड लीड देने वाले, ये मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ. अरे भाई दूसरे के भरोसे बिजनेस कैसे शुरू करेंगे? अगर आपको आपका प्रोडक्ट बेचना नहीं आता तो दूसरे क्या बेचेंगे? नहीं पॉसिबल है. डिमांड, यू कैन कीप योर फोन्स ऑन म्यूट. बाकी लोग अपने अपने फोन म्यूट पे करें. प्रवीण गोरे आपका फोन म्यूट करें, काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो अपने अपने फोन म्यूट पे करो. ओके, तो काफी सारे लोगों को लगता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग करने से हो जाएगा, सेल्स टीम चाहिए, मैं कुछ लोग हायर कर लूंगा फिर मेरा अपने आप बिजनेस हो जाएगा, ऐसे लोगों को लगता है. और बाद में आई नीड टू नो एवरीथिंग, ये भी एक थोड़ा सा बोलते हैं ना क्या दिमाग में होता है कि अभी मुझे सीखना है. लोग MBA करके 2-2, 3-3 साल सीखते हैं और उसके मतलब कब, क्योंकि मुझे सब पता हो जाएगा तो मैं बिजनेस शुरू करूंगा. और जिस चीज के बारे में आप वो सीख रहे होते हैं
जब वो बिजनेस एक्चुअली शुरू करते हैं तब मार्केट बदल चुका होता है. सो देर इज नो राइट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस देन टूडे, अभी, करेक्ट. सो देर इज नो टाइमिंग एज सच, यू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. वेल, तो ये सारे आंसर्स आपने दिए वो सभी बराबर है, ऑल ऑफ देम आर राइट, लेकिन दीज ऑल आर रिसोर्सेस. ये सारी चीजें रिसोर्सेस है, टीम है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, भाई नहीं है तो आ जाएगा, है ना, फंडिंग है, नहीं है तो मिल सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऑफिस तो हो सकता है, करेक्ट. अभी कस्टमर नहीं है तो कस्टमर मिल सकता है. ये सारे रिसोर्सेस है, वो बाद में आते हैं, वो बाद में आते हैं. तो पहले क्या आता है बिजनेस शुरू करने के लिए, क्या चाहिए? अगेन द क्वेश्चन विच आई आस्क, वॉट यू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस. सो देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट विथ. ये सारे रिसोर्सेस बाद में आते हैं, इसके पहले आपको दो चीजों की जरूरत होती है, वो कौन सी है? राइट, एनी गेस? प्रोडक्ट नॉलेज, कस्टमर आइडिया, फंड, गाइडेंस, एवरीथिंग इज राइट, स्वॉट एनालिसिस, मार्केट सर्वे, यू ऑल आर परफेक्ट. ये सारी चीजें बिजनेस में होती ही है, है, बट बाद में. तो पहले दो चीजें आती है, ये कौन सी है? एनी गेस? Knowing customer needs and tools to fulfill that need. Correct. वो तो हो गया, पहला question तो हो गया भाई, business क्यों शुरू करना है? तो customers के लिए, उसको serve करने के लिए, उसके problem solve करने के लिए business शुरू करना है. That answer, that question is answered. Now आपको क्या चाहिए business शुरू करने से पहले? ठीक है, let's see. What you need to start a business. तो ये सारी जो चीजें हमने देखी ये बाद में आती है, ये सारे रिसोर्सेस हैं विच कम्स लेटर. तो पहले क्या आता? फर्स्ट कम्स डिसीजन. द फर्स्ट इज डिसीजन ऑफ व्हाट टू सॉल्व कस्टमर्स प्रॉब्लम. अभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, पढ़ने में आसान है बट उसका मीनिंग इतना आसान नहीं है. A decision to solve someone's problem is the toughest thing. रतन टाटा ने बोल दिया भारत को जरूरत है, लोगों ने उनको दिखा कि लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे, भीग रहे बारिश में, धूप में, धूप लग रही लोगों को, उन्होंने बोला कि 1,00,000 में हम लोग कार डिलीवर करेंगे. He saw the problem and he decided to solve it and he delivered. वो चाहिए बिजनेस के लिए डिसीजन टू सॉल्व कस्टमर्स प्रॉब्लम, वो कोई भी हो कस्टमर. फिर डज इट मेक सेंस? अगर ये नहीं है तो बाकी सारे तो फिर अच्छी लगने वाली बातें हैं, है ना. इट्स योर ओन डिसीजन विच नीड टू डू, विच नीड टू मेक बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस. ये प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, ये कस्टमर दिख रहा है, ये उसका प्रॉब्लम दिख रहा है, ये उसकी जरूरत है और मुझे ये करना है. ये प्रॉफिट लॉस, टाइम, रिसोर्सेस, ये सब बात की बात है, बात की बात है, राइट. मेरे पिताजी फार्मर हैं, किसानों की हालत हम देख रहे सब लोग, अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको भाव नहीं मिल रहा है, कृषि उत्पादनों को. मेरा डिसीजन है कि भाई इसके लिए कुछ करना है, एक्सपोर्ट करना है, आई एम डूइंग दैट, दैट्स माय डिसीजन. व्हाट एवर मेक कम, नथिंग कैन स्टॉप मी, नथिंग कुड स्टॉप मी. That's a decision, right? So that's the first thing you need to start your business. So today you have to make your decisions now. Well, okay. Now what else? और भी कुछ चीजें हैं. और एक चीज है, क्या हो सकती है? Decision तो हो गया, अब तो शुरुआत करनी है, decision हो गया. 31st को तो सारे resolutions करते हैं कि भाई नए साल में ये चीज करनी है. और कितने लोग उसको follow करते हैं? कितने लोग करते होंगे? 1% भी नहीं करते होंगे शायद, राइट. व्हाट इज द सेकंड थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट? परसिस्टेंस. एग्जैक्टली, यू नीड कमिटमेंट टू व्हाट? टू व्हाट योर डिसीजन. वो डायलॉग है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता. दैट्स द थिंग. प्रॉब्लम सॉल्व करना बोलना तो ठीक है, जब वो आप सॉल्व करने लगेंगे
तो अनगिनत प्रॉब्लम्स आएंगे. यू मे फेस फाइनेंशियल चैलेंज, यू मे नॉट हैव नॉलेज, वो कस्टमर आपसे नाराज हो जाएगा, आपके घर वाले गाली देंगे, क्या फालतू काम कर रहा है, कुछ पैसे तो नहीं कमा रहा है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है, वो नौकरी भी छोड़ दी. बट इट्स योर कमिटमेंट टू योर डिसीजन, ये इतना आसान नहीं है. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरा जो डिसीजन है उस पर काम करूंगा. वर्क टुवर्ड्स योर डिसीजन. These two things are the most important things you need to start your business. A decision and commitment. Baki sari cheeze market mein available hai. I don't have knowledge, I can hire an expert. I don't have fund, I can present my plan and get fund. Everything is possible. But not these two. This is with yourself. Does it make sense? Is it clear? Aap sabko samajh raha hai? ग्रेट. ओके, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. तो ये जो फैक्टर जो हमने समझे, तो पहला यही हमारे स्टार्टअप के सक्सेस फैक्टर्स है, ऐसा मुझे लगता है. हम लोग कभी कभी क्या होता है ना कि जब सीखते भी है ना तो काफी बड़ी बड़ी चीजें सीखते हैं. दैट्स फाइन, वी हैव टू लर्न. बट ये बहुत सिंपल चीजें है, विच इज अबाउट ourselves. द फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स प्रॉब्लम. द सेकेंड फैक्टर इज सॉल्विंग दैट कस्टमर्स प्रॉब्लम. जो ये करेगा वही आगे बढ़ सकता है. इसके बिना इसको कोई शॉर्टकट नहीं है, यू कैनॉट बायपास दैट. राइट, अब देखते हैं कि और क्या फैक्टर्स है. इसके बाद आते थे जिसमें से कुछ फैक्टर्स आपने बताए दी शुरुआत में, उसके ऊपर एक नजर डालते. तीसरा सक्सेस फैक्टर है कि बिजनेस मॉडल. काफी सारे लोगों के पास अच्छी अच्छी बिजनेस आइडिया रहती है. सही है, हाँ सर, ये कस्टमर है, ये प्रॉब्लम है, दैट्स फाइन. यू फाउंड अ प्रॉब्लम एंड यू फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट व्हिच हैज अ पोटेंशियल टू गेट सोल्ड इन अ मार्केट. बट उतना सफिशिएंट नहीं है. वो जो प्रोडक्ट और सर्विस आपके पास है उसका ऐसा क्या बिजनेस मॉडल आप बना सकते हैं कि जो जिसके वजह से आपकी कंपनी आज 0 लेवल से 10x पे जाएगी. दैट्स अ बिजनेस मॉडल. बिजनेस मॉडल आपकी कंपनी को रेवेन्यू देता है, आपकी कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करके देता है. वो मॉडल क्या है वो समझना इज अ सक्सेस फैक्टर. जैसे कि हमारे जो लेट्स से बल्ब होता है, बल्ब, लाइट का बल्ब, उसका किसी ने शोध लगाया, समबडी इन्वेंटेड दैट, एडिसन इज अ ग्रेट पर्सन. बट उससे बड़ा वो उद्योजक है जिसने वो बल्ब सामान्य लोगों के हाथ में दिया कि जिससे सामान्य लोग बटन दबा के वो लाइट लगा सकते हैं. दैट एंटरप्रेन्योर इज ग्रेटर दैन दैट इनोवेटर. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. नहीं तो सिर्फ ऐसे कई सारे पीएचडी वाले आपको दिखेंगे इंडिया में, संशोधन किया है, पीएचडी की है और अपना इनोवेशन लॉकर में रखा है और वो नौकरी ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं जो भी संशोधन उन्होंने किया है, जो भी इनोवेशन उन्होंने किया है उसका आगे करना क्या है. बिजनेस मॉडल उनको समझेगा ही नहीं. अगर बिजनेस मॉडल नहीं है, इट्स अ फेलियर. इट्स अ फेलियर, वो हो ही नहीं सकता फिर. सो इन अ सिंपल लैंग्वेज बिजनेस मॉडल इज दिस कि आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको आप स्केलेबल कैसे करेंगे. आज ठीक है सर, आज मैंने पहला कस्टमर मिला मुझे, दैट्स फाइन. कल 10 कैसे मिलेंगे, 100 कैसे मिलेंगे, 1000 कैसे मिलेंगे, 1,00,000 कैसे मिलेंगे. एंड दिस इज द पाथ फॉर दैट. ये मॉडल है मेरा, ऐसा मेरा बिजनेस मॉडल होगा. करेक्ट, ज्योग्राफी वाइज, टीम वाइज, ई कॉमर्स होगा, जो भी कुछ होगा. ये सारे अलग अलग तरीके हैं बिजनेस बढ़ाने के. बट दैट शुड बी इन योर माइंड इन बिगिनिंग इटसेल्फ कि भाई आगे क्या हो सकता है, क्या करने वाला हूं मैं बिजनेस के लिए. भले आप पूरा लॉन्ग टर्म मत सोचिए, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट 2 साल का, 1 साल का या 2 साल का प्लान या बिजनेस मॉडल, भाई 2 साल तक मुझे यहां तक जाना है, इतने कस्टमर्स एक्वायर करने हैं और वो कैसे करूंगा, ये आपके पास होना चाहिए. दैट्स अ बिजनेस मॉडल. आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका टारगेट कस्टमर कौन सा है, वहां तक आप कैसे पहुंचने वाले हैं, वो कस्टमर आपको कितना पैसा देने वाला है और आपकी कंपनी का साइज इन टर्म्स ऑफ कस्टमर नंबर्स और फाइनेंस
फाइनेंशियली क्या होने वाला है, दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। तो तीसरा सक्सेस फैक्टर हमारा है हैविंग अ गुड बिजनेस मॉडल, राइट? ओके, ग्रेट। आगे देखते हैं। अब बिजनेस मॉडल हो गया, हमने सोच लिया भाई हाँ ऐसा ऐसा है, दिस विल वर्क, ऐसा ऐसे मैं करूंगा। अब चौथा फैक्टर है कि बिजनेस प्लान, जो भी हमने सोचा है, जो बिजनेस मॉडल में गोल आपने डिफाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको कैसे अचीव करना है। गोल नीड टू बी ब्रोकन डाउन इन डिफरेंट माइलस्टोन्स, आई नीड टू प्लान टू अचीव एवरी माइलस्टोन, करेक्ट? आपने टारगेट किया कि भाई ये महीने में मुझे या ये साल में मुझे 100 अच्छे कस्टमर्स लाने हैं, दैट्स फाइन। तो एक महीने में लक्ष्य 10 कस्टमर लाने हैं, करेक्ट? तो पहला टारगेट आपका 10 कस्टमर लाना है एक महीने में, ना कि 100, दैट्स अ प्लानिंग। फिर वो 10 कस्टमर्स या 100 कस्टमर्स लाने के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, मुझे नॉलेज चाहिए या मुझे सिस्टम चाहिए या मुझे टीम चाहिए या मुझे मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, जो भी कुछ आपको लगेगा टू मेक अ ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इज नथिंग बट प्लानिंग, राइट? तो एक कंपनी का जो आप टारगेट रखेंगे आपके स्टार्टअप का, बिजनेस का, उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या रिसोर्सेस लगा सकते हैं और उसके बाद क्या आउटकम आउटपुट आना चाहिए, सेल्स प्रोडक्शन क्या होगा, फिर उसके लिए रेवेन्यू कितना होगा, एक्सपेंसेस कितने होंगे, फिक्स एक्सपेंसेस कितने होंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये सारी चीजें प्लान में आती है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ ईयर हाउ योर बैलेंस शीट विल लुक लाइक, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी कुछ होगा, वो एक प्लान आपके पास चाहिए, क्योंकि आपको काम करना है, काम करना है तो यू नीड अ प्लान। अदरवाइज अनडायरेक्शन से, मतलब किसी विदाउट डायरेक्शन काम करेंगे तो यू विल नॉट नो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, करेक्ट? सो यू नीड अ प्लान फॉर दैट। इट कैन बी इन एक्सेल शीट ऑल्सो कि भाई हाँ ये मुझे ये गोल है, ये माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन में ऐसे ऐसे अचीव करने वाला हूँ, ये एक्टिविटीज मुझे करनी है, ये एक्टिविटी के लिए मुझे ये रिसोर्स चाहिए, ये बंदा चाहिए, इतना एफर्ट जाएगा, ये डेट को स्टार्ट होगा, इस डेट को एंड होगा और उसके लिए इतना खर्चा है, जो भी कुछ है। तो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू प्लान इन अ बिजनेस प्लान, हर एक कंपनी का स्टार्टअप का बिजनेस प्लान होना चाहिए। ओके, दैट्स द फोर्थ सक्सेस फैक्टर। Is it clear? Right. Okay. Now, what next? The fifth success factor is funding. Funding. Raising investment. हो सकता है कि आपके पास खुद के पैसे हो या हो सकता है आपके पास पैसे नहीं हो. It doesn't matter. अगर आपके पास अच्छा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर और आपको समझ रहा है कि उस सॉल्यूशन का बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है और कैसे बड़ी कंपनी बनानी है, देन पीपल विल हेल्प यू बाय ऑफरिंग यू फंड्स। मार्केट में इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, बैंक का काम ही लोन देना है, उनको तो लोन देने के लिए वो बैठे हैं, लेकिन उनको कौन चाहिए, उनको अच्छे प्रोफाइल चाहिए कि जो बिजनेस में सक्सेसफुल होके जो प्रिंसिपल है वो और इंटरेस्ट रिटर्न कर सकते हैं, दे कैन रीपे। ऐसे लोगों को बैंक ढूंढ रही है। हम लोग सिर्फ लोगों को वी आर जस्ट क्राइंग फाउल कि भाई रोते रहते हैं, भाई ये नहीं होता, वो नहीं होता, सरकार का सपोर्ट नहीं, बैंक खड़ी नहीं करता। अरे भाई बैंक है, अपनी क्रेडिबिलिटी इज अ क्वेश्चन। ना हमें एक्सपीरियंस है, ना हमारा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है बैंक में, ना हमारे पास कुछ प्रॉफिट एंड लॉस है, ना हमारा कुछ बिजनेस मॉडल बिजनेस प्लान है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आके हमको फंड करे और रिस्क उठाए, बड़ा कैसे करेंगे? आप भी नहीं करेंगे किसी को हेल्प, घर वालों को भी नहीं करते लोग। बट इफ यू आर गुड, इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एवर थिंग्स वी जस्ट सॉ, अगर आपको उसकी अच्छी समझ है, आप उस पर काम कर रहे हैं और आपने अच्छा प्लान लोगों के सामने रखा, तो लोग आपको हेल्प करेंगे। आपके घर वाले भी बोलेंगे अरे तू कर, आप ये बराबर है, तू कर रहा हो, और ये हम उसमें सपोर्ट करेंगे। आपके फ्रेंड्स भी करेंगे, आपके कलीग्स भी करेंगे, पीपल विल जॉइन हैंड्स विथ यू, राइट? ये सारा आपके बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान के ऊपर रखता है। लोगों को अल्टीमेटली एश्योरेंस चाहिए भाई हाँ ये करने वाला है, इतना हो सकता है, ये प्रॉफिट लॉस हो सकता है, ये रिस्क है, ऐसे मैनेज कर सकता है। तो दिस इज व्हाट इज द बॉटम लाइन, क्या मुझे मिलने वाला है। Correct. If you could
explain and convince that to the investor, you will get funding. ये कैपेबिलिटी है स्टार्टअप की, तो ये समझना कि मुझे क्या करना है एंड टू कम्युनिकेट दैट इफेक्टिवली टू द मार्केट इज अ चैलेंज. ये इतना आसान नहीं है. ये धीरू भाई ने किया, उनके पास पैसा नहीं था, बट उनको कभी पैसे पैसा कम नहीं पड़ा होगा. ही रेज फंड्स बाय ऑफरिंग गुड प्लान्स, राइट. उसके पीछे थरो स्टडी था सब कुछ, राइट. और एक डिसीजन कमिटमेंट भी था, उन्होंने वो किया. Right. So this is a funding. So फिर funding के भी आगे शुरुआत तो आपको खुद के पैसे से ही करने पड़ेंगे. I would advise that. Don't wait for others. जो भी अपने पास छोटा मोटा resources या funding available है, you start with that. अगर हम खुद के पैसों की risk नहीं ले सकते, how can we risk others money? वो करना भी नहीं चाहिए फिर. मतलब मुझे खुद पे confidence नहीं है. मैं मेरे business में जब शुरू किया तो मैंने सब कुछ दाव पे लगा देता हूँ. I don't care. होगा तो होगा, करना है तो करना है. उसका क्या होगा, लॉस होगा क्या, बाद में क्या होगा, ये सब की तैयारी मेरी हो चुकी और करनी ही पड़ी. नारायण मूर्ति ने भी अपनी वाइफ का मंगलसूत्र तक ना गिरवी रखा था. इससे ज्यादा क्या हो सकता है. इतनी उतना उनका खुद पे भरोसा होता है और तभी बाकी लोग हेल्प करते हैं. उतना कॉन्फिडेंस, उतनी क्लैरिटी आपको आपके बिजनेस के बारे में, आपके स्टार्टअप के बारे में चाहिए. ठीक है. वेल, सो दैट्स द फिफ्थ सक्सेस फैक्टर, फंडिंग, हाउ टू रेज फंडिंग. व्हाट नेक्स्ट नाउ? सिक्स्थ फैक्टर इज टीम. टीम चाहिए. अब मुझे समझ रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस प्लान है, फंडिंग भी मिल रहा है. बिजनेस तो अकेले का काम है ही नहीं. बिजनेस में अलग अलग फंक्शंस होते हैं. प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, पैकेजिंग है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, मार्केटिंग है, राइट. एंड नो वन इन दिस वर्ल्ड इज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग. शुरुआत पे वी आर स्टार्टअप, तो वी हैव टू स्टार्ट अलोन. एक आदमी से ही कंपनी शुरू होती है. मैंने भी किया पहले. ये जो अलग अलग रोल है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो आपको समझ के लेना है. पहले आपको अलग अलग रोल प्ले करने पड़ते हैं शुरुआत में. हाँ, यहाँ पे मैं एज अ फाइनेंस मैनेजर करके काम कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट बैलेंस शीट बना रहा हूँ, अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा हूँ, वो एक रोल है फाइनेंस मैनेजर का या सीएफओ का, करेक्ट. आप आपके कस्टमर ढूंढ रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, आपने कुछ इवेंट किया, दैट यू आर डूइंग मार्केटिंग. वो मार्केटिंग मैनेजर का काम है, बस शुरुआत में आपको करना है. मार्केटिंग किया, लीड जनरेट किया, अब वो लीड को, वो कस्टमर उसको एड्रेस किया, उसके प्रॉब्लम समझे, उसको सॉल्यूशन ऑफर किया, उसको कन्विंस किया, सेल किया, रेवेन्यू जनरेट किया, दैट्स अ सेल्स जॉब. यू आर डूइंग अ वर्क ऑफ सेल्स मैनेजर और सेल्स हेड, राइट. सेल हो गया, उसने प्रोडक्ट बाय किया, अब आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, दैट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन, राइट. तो ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं हर एक बिजनेस में. तो शुरुआत में स्टार्टअप में जो लीडर होता है उसको ये सारा काम करना है, ये सारा समझ के लेना है. एंड देन हर एक रोल के लिए एक आदमी चुनना है, एक रिसोर्स लाना है, एक टीम मेंबर लाना है टीम में, करेक्ट. ये तैयारी पहले से ही होनी चाहिए, लेकिन खुद को सबका एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर मैं सेल नहीं कर सकता मेरा प्रोडक्ट, हाउ कैन आई हायर समवन टू सेल माई प्रोडक्ट? इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो शुरुआत में ये हम में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट का, जो बिजनेस का जो सारे फंक्शन थे, आई कैन ऑल्सो डू इट. और फिर आप खुद करो, थोड़ा सा थोड़े कस्टमर्स लेकर आओ, थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करो, एंड देन यू हायर स्टार्ट हायरिंग पीपल और स्टार्ट यू नो मेकिंग पार्टनरशिप, गेटिंग इन पार्टनर्स ऑल्सो. ठीक है, मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे फाइनेंस का काम सब संभालना, तो इसके लिए मुझे एक लॉन्ग टर्म का अच्छा पार्टनर चाहिए. If you are convinced, then get good partner. ये करेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी आगे जाएंगे. नहीं तो हमारे भारत में कैसा है ना, हम लोग खुद तक ही सीमित हो गए हैं. पहले ज्वाइंट फैमिलीज थे, सब लोग एक साथ रहते थे, गांव के लोग भी एक साथ रहते थे. अब ज्वाइंट फैमिली भी नहीं रहा, न्यूक्लियर फैमिली, अब उसमें भी पति पत्नी भी अलग रहने लगे, दोनों के अलग अलग बिजनेस है. तो एवरीबडी थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि मुझे क्या मिलने वाला है,
उसकी वजह से लेकिन क्या होगा ना कि हमारी जो सोच है ना वो बहुत सीमित सिमट रही है, बहुत संकुचित तरह का हो रहा है हमारा सोचना. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर इग्नोरिंग और वी आर लूजिंग मेनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. दैट व्हाट आई एम सीइंग पर्सनली. काफी लोग ट्रांजैक्शनल मतलब सोच रहे इसमें क्या प्रॉफिट है, नहीं है तो छोड़ दो, क्यों टाइम वेस्ट करना. वो उसके पीछे उसके आगे सोच नहीं पा रहे कि ये कस्टमर कौन है, इसका आगे क्या फायदा होगा, ये हमें और कस्टमर दे सकता है क्या, ये उनको समझ में नहीं आ रहा. अभी कुछ नहीं मिल रहा ना, छोड़ दो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. दे आर बिकमिंग सेल्समैन. वी आर नॉट सेल्समैन. एंटरप्रेन्योर्स आर ट्रांसफॉर्मर्स. वी ट्रांसफॉर्म सोसाइटी. ये दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग. द मोस्ट पावरफुल ब्रीड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज एंटरप्रेन्योर, राइट? So we need those kind of people, like-minded people in our team, correct? Who have knowledge, experience, who will work and who will execute your business plan, correct? That's a sixth factor. Well, did you get this? Does it make sense? Mujhe thoda sa feedback dijiye. Jo bhi hum log yahan pe discuss kar rahe, baat kar rahe, aapko samajh mein aa raha hai? Yes, very okay. Interesting. Yes. Okay. Fine. Thank you. So this is the sixth success factor. Team चाहिए हमारे पास. Correct. हर एक अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमारे पास सारे फौज चाहिए कि जो हर एक चीज हर एक एरिया में एक्सेल करना पड़ता है अगर बिजनेस को टॉप पे लेके जाना है तो. एक भी एरिया अगर आपका पीछे रह गया तो यू आर बिजनेस में फेल, या तो वो रिस्क है बिजनेस में. इसीलिए भरोसे के लोग चाहिए टीम में. और आजकल जमाना इतना कॉम्पिटिटिव है दिस वर्ल्ड, you need good team, you need a support. So business ek aadmi ka nahi raha. Isliye to maine bhi import export federation khol ke kyun rakha hai. Ye business hai. Federation is like taking many people along with me. Mere students hai, partners hai, investors hai, exporters hai, importers hai, sare wahan pe aate federation mein. And they are part of my team. Itni badi hamari team hai. Theek hai, right? So thoda aapka mindset broad rakho, logo ke sath collaborations karo, ज्वाइंट वेंचर्स करने की कोशिश करो. जो एक्सपीरियंस है, जो अच्छे हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ जुड़ना शुरू करो. जो सक्सेसफुल लोग हैं आपके इंडस्ट्री में उनको फॉलो करना शुरू करो. उनके साथ कुछ टाइप होता है क्या, इसकी कोशिश करो. अब जीरो से शुरुआत करना और उस मकाम पे पहुंचना के लिए बहुत टाइम है, लगता है. उतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि मैं अभी 3 साल ही मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हुए, लेकिन हम लोग अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं. और मेरे कॉम्पिटिटर जो है वो 10-20 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनके हम लोग आगे निकल गए. कोलैबोरेशन, किसका हाथ पकड़ना है ये समझना चाहिए. आई फाउंड सम पार्टनर्स हु हैव 15-20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस. दे आर डूइंग मार्केटिंग फॉर मी. दे गॉट मी द कस्टमर विद इन 3 मंथ्स. ये अलग अलग सोच है अपनी अपनी, राइट? तो वो करना भी जरूरी है अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो, राइट? सर, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस प्लीज. इन स्टार्टअप व्हेन देयर इज नॉट दैट मच ऑफ, मतलब इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, इतना आइडिया नहीं है, तो आपने कहा जैसे एक ट्रस्टवर्दी और अच्छी एक्सपीरियंस टीम होनी चाहिए आपकी, तो उसे कैसे मतलब देखिए मतलब मैं बोल रहा हूँ. अगर आप देखेंगे, अब आप मुकेश अंबानी जी को देखेंगे, रिलायंस द बिगेस्ट बिजनेस इन इंडिया, उन्होंने अब जो नए उनके प्रोडक्ट्स है जियो के और बाकी भी, ही हैज डिसाइडेड कि भाई मुझे स्टार्टअप के साथ काम करना है. बराबर, ही हैज डिसाइडेड. बट स्टार्टअप मीन्स व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप? हु क्वालिफाई फॉर इनोवेशन? जो मैंने आपको पहला फैक्टर बताया, प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, solving that problem is nothing but innovation. वो इतना आसान नहीं है. तो वो अंबानी रिलायंस भी सोच रहा है कि हम स्टार्टअप को मौका देना चाहिए. मुझे नए जनरेशन के लोग चाहिए जिनमें एनर्जी है, जो इनोवेट कर सकते हैं. मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा है ना बाकी सब फंडिंग रिसोर्सेस है, बट आई नीड एनर्जी, आई नीड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. ये नए जनरेशन के पास है, ये इसके लिए लोग नए लोग ढूंढते हैं. तो सिंपल चीज है, बाकी ज्यादा सोचने से आप ये सोचो कि आपको जिस इंडस्ट्री में काम करना है, आप स्टार्टअप हो तो जिस इंडस्ट्री में आपको काम करना है उस इंडस्ट्री के कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स क्या है. इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, इफ यू गेट गुड इनसाइट ऑन दैट, आई एम श्योर वो करते करते आपको दिखेंगे लोग की जो लाइक माइंडेड है और उसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं. देन यू कैन ज्वाइन हैंड्स विद देम. फिर वो आपके पीछे भी हो सकते हैं या आपके
अलग मतलब आगे भी हो सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ तो नए लोग भी है, कुछ इन्वेस्टर भी मेरे साथ जुड़ गए एक फोटो की, भाई नहीं सर अभी आप है तो हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन मी। करेक्ट, इन्वेस्टर क्यों आया कि उनको लगता है कि इनको सब पता है, ये कर रहा है, दिख रहा है, लेट्स गो अलोंग विद देम। तो वो कॉन्फिडेंस आप में चाहिए। इसके लिए आपका सब्जेक्ट आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, आपका इंडस्ट्री, आपके कस्टमर्स, उनके प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा यू नो एरिया है विच यू नीड टू नो। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो आपको रास्ता मिल ही जाएंगे। या तो फिर आप एक कस्टमर भी साइन अप करते हो तो दैट कस्टमर हिमसेल्फ विल यू नो हेल्प यू टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। वी ऑल मैं भी ऐसे ही बिजनेस शुरू किया हो, जीरो से, विदाउट इवन हैविंग अ सिंगल रुपी इन दिस बिजनेस। बाकी बिजनेस में काफी इन्वेस्टमेंट किया मैंने, बट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन में आई हैव नॉट इन्वेस्टेड अ सिंगल रुपी, बट हम काफी अच्छे लेवल तक वो बिजनेस 3 साल में लेके आए विद दिस माइंडसेट। ठीक है, तो आप ज्यादा भी मत सोचिए, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे पास स्किल्स है, ये नॉलेज है, इस इंडस्ट्री में काम करना है, ये प्रॉब्लम दिख रहे, उस पर काम करना शुरू कीजिए आप, यू नो ट्राई टू सॉल्व देम। और फिर वैसे लोग ढूंढ के उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, उनसे लर्न कीजिए, उनको प्रपोजल भेजिए, है ना, उनके साथ थोड़ा सा ऑफर कीजिए। बिजनेस का एक रूल है गिवर्स गेन, मतलब जो देता है ना उसको ही मिलता है। हमारी मानसिकता भी सब लेने की है फिलहाल, काफी सारे, सबकी नहीं बोल रहा मैं, पर काफी सारे लोगों की, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, वहां पे क्या मिल रहा है, पर ये कोई नहीं सोचता कि मैं क्या देने वाला हूँ। तो पहले अगर आप देने के माइंडसेट से सोचेंगे ना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और इस दुनिया ये सारे अच्छे लोगों के भरोसे ही चलती है, isn't it? नहीं तो फिर तो सारा हैवक हो जाएगा। तो आप खुद पे विश्वास रखिए, अच्छा काम कीजिए, आई एम श्योर वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, आपको लोग खुद ही आके सपोर्ट करेंगे। ये होता है, ये हमारे साथ भी हुआ है, राइट? ओके, या ओके, तो सिक्स फैक्टर इज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए सर। ऐसा है जैसा आप अभी जैसा बोल रहे कि जैसे स्टार्टअप को नए लोगों को कुछ मौका देना चाहिए, तो सर मैं भी अभी तो बिजनेस कर ही रहा हूँ, मेरा तो ऑलरेडी बिजनेस चालू है, मगर सर जैसा मेरा तो अभी जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट कंपनी से सप्लाई है। अभी मैं सोचता हूँ कि कुछ सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर है, या जो भी है टेक्सटाइल है, तो उसमें मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा मेरा कंपनी का प्राइस, प्रोडक्ट कैटलॉग और सब डिस्काउंट्स और जो भी है उसमें डाला। मगर सर आज आप यकीन नहीं करेंगे, मैं नहीं तो भी 500-600 लोगों को मेल किया रहेगा, मगर उनका कोई सोच ही नहीं है, उनके तरफ से एक लाइन लिख के नहीं आता कि हाँ ठीक है हम आपको कुछ मौका देंगे, या हम आपको कुछ ये आपको कुछ मींस इंक्वायरी भेजेंगे, या कोई कोई फॉलोअप ऐसा कुछ होता नहीं है सर। अपना इतना मेल करो या इतना, ऐसा भी नहीं, मैं रिमाइंडर डालता हूँ हर 15 दिन के बाद में, महीने के बाद। क्या क्या प्रोडक्ट है आपके? मेरा पास में विबेल्स है, सॉरी विबेल्स, जो बेल्ट लगते हैं ना कंप्रेसर और पुलिस में जो बेल्ट लगते हैं वो है, फिर और बहुत सारे आइटम्स है, मगर सर कोई कोई उसका कोई उसका पीछे कोई रिप्लाई नहीं आता सर कंपनी का, जैसे वो किसी और को फॉरवर्ड करना कि भाई ये चलो मेरा काम नहीं है तो दूसरे को देना चाहिए, परचेस में देना चाहिए, या सही परचेस जो आदमी करता है उसका नंबर उसको बोलना चाहिए कि भाई ठीक है भाई ये आदमी का पास तो भी है उसको कांटेक्ट करो, या ऐसा कुछ कोई नहीं करता सर ये। ठीक है, मैं बोल रहा आपको, तो आप बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में है कि ट्रेडिंग में है? मैं ट्रेडिंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग है, मगर मेरा कैसा है कि कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर के साथ टाइप है तो मैं बहुत अच्छा सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट देता हूँ सर। राइट, मीन्स जैसा वो भी डिफरेंस भी कैसा है, अगर कोई 100 रुपए में देता है तो मैं उसको ये भी इतना भी ये कर सकता हूँ कि हाँ मैं कॉम्पिटिटिव रेट में आपको 50% 60% में ये दे सकता हूँ उस मार्जिन पे आपको सस्ता, मगर फिर भी सर कोई ऐसा मीन्स उसका कुछ रिप्लाई नहीं आता सर। मैंने बताया ना कि मैं आज 600 कंपनी को मेल कर चुका रहेगा जिसमें सभी कंपनी है, मगर किसी का आज तक एक लाइन लिख के नहीं आया मुझे। ठीक है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है सर? हाँ बोलता हूँ मैं, आपने अभी बोला कि आपने ईमेल किया, बराबर जी, तो आप पर्सनली कितने लोगों से मिले? मिला तो नहीं हूँ मगर मेल किया हूँ सर। करेक्ट, तो आपको उस लेवल से थोड़ा आगे मूव करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो क्लाइंट है आपका वो कभी कभी मेल देखता है नहीं देखता है, उसको सीरियसली लेता है नहीं लेता है, आपकी तरह और 100 मेल आते होंगे, तो ये भी चीज होती है। तो अगर कुछ चीज वर्कआउट नहीं हो रही है, वी शुड ट्राई, अगर वर्कआउट नहीं हो रही है मतलब वी आर फॉलिंग शॉर्ट,
इज अ सिंपल आंसर ना, डिफॉल्ट इज फॉल्ट इज ऑन आवर साइड ऑलवेज, ठीक है। तो उसमें फिर आप ये कीजिए कि जो नहीं किया वो करने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा आगे, भाई नहीं कर रहे ये ईमेल तो पहले फोन कॉल करें, फोन कॉल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो भाई जाके पर्सनली, ज्यादा नहीं 10 लोगों से ही मिलिए आप, ठीक है। मैं मेरे बिजनेस में हर रोज 200 लोगों को फोन कॉल करता हूँ, 200 पीपल करेक्ट, और उसमें से कुछ साइन अप करते कुछ नहीं करते, कुछ मूव ऑन आगे कुछ भी। उसके बाद क्लाइंट साइन अप होने के बाद भी, और वो क्लाइंट साइन अप ना होने के बावजूद भी वापस एक कॉल हम उनको जाता है कि सर आपने साइन अप किया तो आपने साइन अप क्यों किया, व्हाट यू सॉ गुड इन अस। और जिसने साइन अप नहीं किया उसको भी हम लोग पूछते कि सर आपको क्या और क्या चाहिए था, तो ही टेल अस अपफ्रंट, वी आर वेरी अपफ्रंट ओपन, सर आपको आपने किसके साथ कौन सी कंपनी से प्रोडक्ट किया सर, ठीक है सर उनमें आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है सर ये अच्छा लगा, अगर हम लोग अगले बार हम लोग ये आपको देंगे तो आपको कैसा लगेगा, यस सर ही हैज टू से यस। तो क्या है ना कि हमें अलग तरीके अपनाने चाहिए, अगर हम लोग एक ही तरीका करेंगे एक ही तरीके से जाने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट वर्क आउट। अभी बहुत कॉम्पिटिशन है दुनिया में, अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है मतलब प्रोडक्ट चेंज करने का टाइम आ गया है, या उसको कुछ अलग वैल्यू एड करने का टाइम आ गया है। जो प्राइसिंग होता है, प्राइसिंग ह्यूमन बींग्स के ये जो साइकोलॉजी है, ये जो बिजनेस है ना, ये जो सेल्स प्रोसेस होती है ना, ये एक साइकोलॉजी है, इसमें प्राइसिंग काफी नीचे है, उसके पहले काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, isn't it? काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ प्राइस को लेके बैठते, तो ऐसा नहीं है। तो वो भी आप थोड़ा सा समझिए कि लोग आपके जो कस्टमर्स है वो क्या फैक्टर्स कंसिडर करके परचेस का डिसीजन लेते हैं, फिर वो क्वालिटी हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है ना, मार्केट डिमांड हो सकती है, सर्विस हो सकती है, करेक्ट ऑन टाइम डिलीवरी हो सकती है, क्रेडिट पीरियड हो सकता है, अट्रैक्टिव डिजाइन हो सकता है, कंपनी का मार्केटिंग हो सकता है, देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, सो यू शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो अभी आप ईमेल ना करें, उनको फोन कॉल करके देखिए 10-20 लोगों को, और फिर देखिए कि क्या होता है, उसके बाद कुछ लोगों को मिलने की भी कोशिश कीजिए, आई एम श्योर यू विल फाइंड आउट अ वे। ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम जी। यस, एंगेजमेंट विद कस्टमर इज वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि कस्टमर को समझना, कस्टमर ही किंग है मार्केट का, वो नहीं है ना तो वी आर फिनिश्ड, बिजनेस नहीं कुछ नहीं, एक महीना लगता है चौपट होने को बिजनेस। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई है ना, और जिन्होंने सोचा उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब अपने भारत के यहाँ के लोग रो रहे, और वो अमेजोन फ्लिपकार्ट ये कहाँ से आए, अमेजोन यूएसए से, उसने बिजनेस किया लॉकडाउन में, हमारे लोगों को नहीं जम रहा, करेक्ट, ये सारे कारण है, एक्सक्यूजेस है हमारे, तो हमें उससे बाहर आना पड़ेगा, आई वी नीड टू फाइंड द रियल रीजन, और जो करना है वो करना ही पड़ेगा हमें, देर इज नो ऑप्शन फॉर दैट, देर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट, राइट। ओके, तो सिक्स फैक्टर इज द टीम, यू नीड अ गुड टीम, गुड पीपल, गुड पार्टनर, गुड क्लाइंट, यू नो उनके साथ आप पार्टनरशिप करो। अब व्हाट इज द नेक्स्ट, अब ये सब जो बिजनेस का जो गाड़ी है वो चलाने के लिए यू नीड अ लीडर हु विल प्लान टू विन द रेस, दिस इज द सेवंथ पार्ट टू लीड द टीम। टीम को कैसा होता है, लोगों को, पीपल आर देयर, दे हैव स्ट्रेंथ, दे हैव कैपेबिलिटीज, बट यू नीड अ लीडर टू यूटिलाइज दैट, टू गिव दैट अ प्रॉपर डायरेक्शन, राइट। वो लीडर के बिना लोगों को समझ भी नहीं आता कि क्या करना है, they can't execute, and this is the role you will have to play in your startup. ab aapko thoda sa leadership ke bare mein sochna padega, leadership ye sara personal skill hai, soft skill hai, behavioral skill hai, ek integrity hai, correct। so leadership mein kya kya skills hote hain wo thode aapko seekhne padenge, proper communication, man handling, you know, discipline, financial discipline, ये सारी चीजें आपको समझनी है। लीडर वो है कि वो नहीं है कि भाई जो हमेशा आगे जाके सबसे सब कुछ काम करे, लीडर वो है कि जो पीछे बैठ के भी जो चाहिए वो ही विल मेक इट हैपन, दैट्स अ लीडर। तो आपको उस तरह से सोचना है कि भाई मेरे अभी जो हमने सक्सेस फैक्टर देखे, प्रॉब्लम देखा, कस्टमर देखा, बिजनेस प्लान देखा, फंड भी आ गया, टीम भी आ गई, अब इस टीम से वो काम कैसे मैं करवाऊँ कि उससे बिजनेस हो, पहले तो शुरुआत में खुद करो। लीडर्स ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि पहले सारे फंक्शन सारे रोल्स खुद को करने हैं, प्रूव करना है, फिर यू कैन डॉक्यूमेंट दैट, हाँ
सेल्स के लिए, ये प्रोडक्ट सेल के लिए ये पांच चीजें करनी पड़ेगी और आपने वो किया है, फिर आप एक सेल्समैन हायर करो, उसको दिखाओ एक भाई हाँ देख मैं अभी सेल्स करके आपको दिखाता हूँ, यू सी दैट एंड देन यू फॉलो इट नाउ, और ये आपका स्टैंडर्ड एसओपी है, ये आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नाउ यू डू योर जॉब, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आई एम देयर टू हेल्प यू, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए आपका काम करने के लिए आई एम देयर टू हेल्प यू इन दैट, दैट्स व्हाट इज अ लीडर रोल, करेक्ट। सो दीज आर ऑल सेवन फैक्टर्स विच आई थिंक आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्टार्टअप सक्सेस, ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक इट अप। So these are the seven factors to summarize, and I'm sure you got clarity about each one. Agar aapke kuch questions hai, so we can take it up, please. I would again request you after the session, you can take a couple of minutes out and please review us on Google, Import Export Federation of Google pe search kijiye. आपको दिखेगा हमारा एक YouTube चैनल भी है, Facebook पेज भी है, यू कैन फॉलो इट अप। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है प्रोडक्ट के बारे में, कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आप नीता मैम को भेज सकते हैं या मुझे भी भेज सकते हैं, तो वट एवर वी आर देयर टू हेल्प यू ऑल। सो एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स और क्वेरीज, समवन इज आस्किंग अबाउट बिजनेस प्लान। या बिजनेस प्लान, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस प्लान इज अ सिंपल वे, जैसे कि आप देखिए कि आपके बिजनेस का इस साल का टारगेट क्या है, गोल क्या है, लेट्स से इट्स अ गोल, लेट्स से मुझे 100 कस्टमर्स, लेट्स से मुझे 10 लाख रुपए रेवेन्यू करना है इस महीने में, ठीक है, इस साल में, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, फिर एक हर एक महीने का लेट्स से 1 लाख रुपए रेवेन्यू मेरा टारगेट होना चाहिए, 1 लाख रुपए करना है, अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपीज है तो मुझे एक महीने में 100 कस्टमर्स लाने पड़ेंगे, एक महीने में 100 कस्टमर्स लाने हैं तो एक हफ्ते में मुझे 25 कस्टमर्स लाने हैं, एक हफ्ते में 25 कस्टमर्स लाने हैं, मतलब रोज एटलीस्ट 4 कस्टमर्स मेरे साइनअप होने चाहिए, अब 4 कस्टमर्स साइनअप रोज करने हैं तो मुझे कितने लीड जनरेट करने पड़ेंगे, कितने कस्टमर्स तक पहुंचना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट तक पहुंचना पड़ेगा, अगर मेरा कन्वर्जन रेशियो 100 में से 5 है तो मुझे 100 कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, फिर मैं 4 या 5 कस्टमर डेली साइनअप कर पाऊंगा। अब 100 कस्टमर्स को एड्रेस करने के लिए आई नीड जो भी है काउंसलिंग के लिए या सेल्स के लिए एक आदमी चाहिए, एक फाइनेंस के लिए चाहिए, एक ऑपरेशंस के लिए चाहिए, जो भी कुछ टीम चाहिए, यू विल हैव टू प्लान दैट। तो एक एक्सेल शीट में आप प्लान करो कि हर एक महीने का सेल्स क्या होगा, फिर हर एक महीने के एक्सपेंसेस क्या होंगे, फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग हो, बाकी चीजें हो, ट्रैवलिंग हो, ये कुछ है, और फिर क्या प्रॉफिट बचेगा एंड दैट योर गोल, है ना। तो वैसा प्लान करके फिर माइलस्टोन हर एक वीक का, जैसे मैंने कहा कि हर एक वीक को आपको ये अचीव करना है, तो वो प्लान बना के आप को मॉनिटर करना है, हर वीक में आपको रिव्यू मीटिंग लेनी है कि भाई हाँ क्या हुआ, कितने क्लाइंट्स आए, किसने साइन अप किए, क्यों नहीं हुआ, ऑल दोस थिंग्स, राइट। वेल थैंक यू सर। यस यू आर आस्किंग देयर इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्लान एंड बिजनेस मॉडल, सो या देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। In business model, actually, when it comes to business model, of course, there are subscription-based business model, means from where actually you are generating revenue. Now, there are, for example, there are few companies which are not generating revenue through their consumer. Consumer, like, for example, you are having a few of the products there, they are actually for only some advertiser and all, actually, they are getting revenue from them. And consumer is using it at very low cost or absolutely free of cost. So there are several different kind of business model. So one I have already told you, like subscription. One is from wherein you are not exactly charging money to consumer, but you are charging to someone else, like advertiser or contributors. And again, there are different kind of business models. जैसे अभी समझो Netflix का ले लिया तो वो subscription model है, अगर telecom companies का लिया again वो subscription based चलते हैं। अगेन अगर आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड सेल्स की बात किया तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ले रहे हो, मतलब उसके ऊपर आपका जो भी प्रॉफिट बन रहा है तो आपका डायरेक्टली उसके ऊपर है। तो अलग अलग टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं। तो एग्जैक्टली आपका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, दैट इज योर बिजनेस मॉडल। बट प्लान, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया, प्लान में ओवरऑल एग्जीक्यूशन पूरा ही आएगा। व्हेन इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल अप्रोचिंग टू इन्वेस्टर, यू नीड अ कंप्लीट बिजनेस प्लान।
like from where you will find your customer, or what exactly you are looking for, who is your target market. Then once you understand your target market, after that you should understand your beachhead market. Once you understand your beachhead market, exactly who is going to use your products and services, whether your particular thing is a viable product or not, how actually customers are going to pay you, where you'll find your customer. So it includes each and everything when it comes to plan. But when it comes to model, only the revenue from which exactly you are earning through your business, earning profit rather. So that is what is business model and business plan differentiation. Okay. I guess I might have answered your question. If anything you'd like to add, sir, you may add. No, that's fine. What you said is right. Business model is ki bhai aapke customers paisa aapko kaise denge? Hai na, online hai, e-commerce hai. Model kya hai aapka business ka? Ya cash aapke office mein aake card swipe karne wale hai. So these are different methods to acquire customers. Hai na? So pehle hota ki aapka product hai, uska marketing karna hai, and then acquire the leads. Fir customers wo aapko payment kaise karenge ultimately? Ye sab karna business model hai. और फिर ये सब टारगेट जो रखेंगे आप उसको अचीव कैसे करना है, इसके लिए सारा एग्जीक्यूशन प्लान, दैट्स योर बिजनेस प्लान। सो आई गेस ऑल द क्वेरीज माइट हैव आंसर्ड। इफ एनीवन इज हैविंग, यू हैव रेज योर हैंड, सो यू मे आस्क योर क्वेश्चन। Good evening. Thank you for this wonderful session, and I was driving and then was listening that, and quite a good insight got from it. But I'm a doctor, I'm a gastroenterologist, and along mm-hmm. with one of my pediatrician friend, we want to work on a concept of online mm-hmm. consultation, and mm-hmm. not only health but total health, some concept mm-hmm. we have in our mind. Mm-hmm. Now suppose we ourselves try to be expert in all these things, strategy and XYZ, mm-hmm. it will take so much of time. We are good in something, like we have a good backup of maybe 1,000 doctors references are there. How to, so now if we are looking for some team, particular some team who could do this work for us, like who can help us in a running a project like that, so what is your view on that? Should we go for that, or we should try for ourselves? Because becoming expert in each and every aspect will take a long time, because 20 years we have studied medical science. Now individually developing all these skills and becoming masters, yeah, not a good idea. What do you say about that? Yeah. Or we can have some company who can do this for us. Yeah, definitely. You should look forward to your consultant. See, you know what you want or what you are planning to do. That aim, that, you know, this is my customer, I want to deliver this, this is my job, and this is helping people. They have some problem, they have some disease, and I'm curing that. That's what is your, you know, the biggest thing. Now to market it. The another thing is now to market, to promote this service to the world, to the market, to reach to the right target audience. You know, so you need to do that kind of exercise. Okay, this product, so whom to target? Let's say, are we targeting Pune? Are we targeting Maharashtra? Or are we targeting whole India? Then who will do what? Marketing, promotions, everything is now online, most of it. You can go on a digital marketing and all the things. But digital marketing, all these things are tools and techniques. It should go along with a business strategy. Yes. Ultimately, market ko message ka dena hai. That business leader should know. Then there are consultant people, digital marketers who will execute that plan. But if you just hire them and bank on them ki aap karo customer laake do, to wo kuch bhi try karenge phir. You know. Yeah. So jo customers ko message dena hai, jaise aapka patient hai, जो भी कुछ है उसको पेशेंट को क्या बोलेंगे, तो पेशेंट मुझे एटलीस्ट इंक्वायरी करेगा, और एटलीस्ट ही विल रिमेंबर मी, यू नो, और एटलीस्ट ही विल सेव माय नंबर, व्हाटएवर. सो दैट शुड बी द, यू नो, थिंग. एंड इफ यू कुड अंडरस्टैंड दैट, देन गेट इट इंप्लीमेंटेड बाय समवन. या, गेट इट इंप्लीमेंटेड बाय समवन, दैट शुड, दैट शुड. एंड देन कम्स लाइक, देन देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू मॉनिटर ऑल दिस थिंग्स. लाइक देयर इज अ डिजिटल मार्केटिंग विल गेट यू द लीड्स, देन यू कैन हैव अ CRM, customer relationship management system, which are already available in market standard, whether you can hire that or you can buy that, so that every lead is monitored. Ultimately, remember this, our customer only teaches us. He is the biggest guru. So we should understand what he is looking for. We should understand
and what he needs, and if you are we good in full or are we fulfilling it properly or not. Whatever good or bad answer we should get it, then only we can improve on the next customer. So for that you will need a system nowadays, because it's like a service industry, so there will be a lot of customers. So you need a good insight into that customer. What happened to that customer? आए तो भी क्यों आए, नहीं आए तो भी क्यों नहीं आए, अब क्या इंप्रूव करना पड़ेगा. करेक्ट. तो एंड टू एंड लीड का ट्रैकिंग होना चाहिए. एंड एक बार एक छोटा एरिया लेके आप इस मॉडल को लॉन्च करें पहले. वंस दैट इज सक्सेसफुल देन रेप्लिकेट इट इन अदर एरिया. एवरी बिजनेस शुड बी लाइक दैट. एक छोटा मॉडल आपके बिजनेस का आप सक्सेसफुल करो. बिजनेस मॉडल भाई, हाँ ये ज्योग्राफी पे यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ, पुणे में पहले मैं 100 कस्टमर लाता हूँ इस मॉडल से. इफ दैट इज सक्सेसफुल, इट्स जस्ट मैटर ऑफ रेप्लिकेटिंग दैट. तो वैसे आप कर सकते हो. फिर आप टीम एक्सपांड कर सकते हो, हर एक ज्योग्राफी के लिए एक आदमी रख सकते हो, उसको वही दिखाना है यहाँ पे ऐसा हुआ वैसा वहाँ पे, जैसे मुंबई में वैसा ही करना आपको, वो वही करेगा वैसा ही करते मत लाएगा, वैसे ही वो साइन अप होंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर आई जस्ट एड वन थिंग. सो सर ने जो कहा कि पहले एंटरप्रेन्योर को सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं कि सारी चीजें हमें ही करना है. मींस देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट कि नोइंग इट एंड डूइंग इट. बिकॉज़ या इनिशियली इट्स फॉर क्लैरिटी कि हुएवर इज द लीडर, वेदर दैट लीडर हैज गॉट द कंप्लीट क्लैरिटी कि एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू डू एंड एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एक्चुअली ही वुड लाइक टू बिल्ड. बिकॉज़ अंटिल एंड दिस लीडर विल नॉट हैव क्लैरिटी, ही कुड नॉट गाइड टू हिज. So that's what actually he wants to deliver his message, that you should have a detailed knowledge and exact clarity of each and every functionality, whatever is going to happen within your whole complete business plan and business model. So based on that clarity, actually you could guide. Of course, you need a team who will back up you, because it's not possible to do each and everything by one person. So of course, the meaning is somewhat, you don't have to take it literally, but yeah, you could add up as and when you'd like to guide any of the stream at that moment of time. Yeah, you should know ki what should work over here or what may work over here. You should always take for the guidance and support, and accordingly, you may work. And pilot plan, that a small model, whatever we have already seen, कि जैसे Facebook ने भी किया, हर कोई हर business जो है पहले अपने जो उसका targeted market है उस पे ही पहले बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ करता है, उसके बाद ही वो बाहर निकलता है. तो एक एक फिर जो भी territory है उसमें हमें फिर projection करना है, लेकिन पहले बहुत ही focused market में ही जाना है. तो that's how पहले आपका pilot study जो है वो हो जाता है, तो then you may carry on. आता पण लोक येत आहेत सर अजून. सो या यू हॅव रेज्ड हँड, गॅलेक्सी M20. हाय, गुड इवनिंग, आय एम ऑडिबल? यस यस यू आर. थँक यू अभिजीत सर. ऍक्च्युली आय हॅव ऑलरेडी मेट यू, आय हॅव अटेंडेड युअर सेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट February 20 batch. Now I have already registered my startup. Mm-hmm. And I have already designed one product. I have also applied for patent. And now basically I'm looking for funding in the market, and likewise there are a lot of government fundings which are available. Mm-hmm. But the more I study government funding, the more I get confused with it. Mm-hmm. So do you also provide consultancy for getting fundings, or do you know anyone who can give me some guidance on this fundings? Okay, so about funding, but what, at what level your startup is for funding? We already have a prototype version. Hmm. And basically my startup is a folding bicycle. Hmm. Where I have designed a
my design of folding bicycle, and we have already patented it. Two proto models are already ready, which we have tested, and now we have taken a batch of around 50 numbers which are in the manufacturing. Now till this stage there are some partners with me who have we together have funded, but now on we require funding to get this product in the market, to do a lot of marketing and a lot of stuff which is involved in this. So we are looking for funding, but the more you look, the more you see, more you search, you get a bit confused about all of them. Okay, so you are saying that you already started manufacturing your cycles, right? Okay, so but then whom you are manufacturing it for? For the customers, of course. Basically, what we did. Have you talked to someone who will be ready to buy your product? Yeah, basically what we did is we took a marketing survey, and we had conducted an online survey form. Where we could get around more than 1,500 people giving us the feedback. And out of that, around 70% people are ready to buy the product. That's good. Then I would say you should sell it to them instead of raising funds. Maybe you can take advance booking and you commit them and deliver them. You already have a customer. You already have a product in pipeline. So what else you need then? See, for funding, whatever you told me, these are all expenses you did, correct? Doing market survey, establishing a factory, manufacturing a cycle, this is all expense. Now the real business starts, selling it, right? So, ab selling bhi to karni padegi. And for investors, they would be interested in numbers. Ki bhai, aapne kitne cycles sell kiye ab tak, correct? So, that is what it is. We always tell ki pahli shuruaat hame khud ke resources hi karni chahiye. We should acquire some customers at least. Hamare paas hona chahiye. Fir aap bank ke paas bhi ja sakte hain. Bank ke paas, Startup India mein bhi jo scheme thi, usme bhi aap kar sakte hain. Ya private investor ko bhi pitch in kar sakte hain. But you need numbers. Ki bhai sir, humne ye survey kiya tha 1,500 logo ka. Jaise aapne bola ki 70% ready hai, to mere paas 20 logo ka, 25 logo ka advance hai, and ye main deliver kar raha hu. Now I'm short of this part. तो आपका प्रोडक्ट बेचना शुरू करो आप जल्दी, है ना? तो ऑनलाइन बेचो, उनसे एडवांस ले लो, कुछ कन्विंस करो. आई एम श्योर इफ दे आर रेडी टू बाय सच इनोवेटिव प्रोडक्ट, दे कैन गिव यू सम एडवांस. तो वो ट्राई करो, ऐसा मुझे लगता है. और उसके बाद वो नंबर्स लेके, भाई देखो हमने 25 साइकिल बेच दिए है, देन दैट बिजनेस प्लान बना के भाई एक साल में क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना आरओआई, कितना प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट एश्योरेंस, व्हाट गारंटी, ये सब दिखाने के लिए कुछ तो नंबर्स चाहिए प्रूवन, भले वो कम हो ज्यादा हो, क्योंकि वही देखेगा कस्टमर्स या जो इन्वेस्टर है, वो वही देखेगा, है ना? बैंक भी देखेगी कि आपने कितना सेल किया. तो आई वुड से आप ठीक है, आप अभी भी इन्वेस्टर को पिचिंग कर सकते हो, तो बट ट्राई टू गेट योर सेल नंबर, उससे आपको हेल्प होगी अच्छा पिचिंग करने के लिए, राइट? एंड वी डू हैव सम नेटवर्क में कुछ लोग हैं जो स्टार्टअप को हेल्प कर सकते हैं, तो आई विल सी कि मैं क्या, इफ आई कुड कनेक्ट यू विद दैम. Yeah, no problem. If you can just drop your email ID, then I can be in touch with you. Yeah, sure. Anyway, no, basically, I am in touch with the import-export group, right? As well. Right. And right. I guess this link also I got from Asavari. Yes, yeah, that's fine. No problem. Okay. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Yes, Nita ma'am, I think... we have addressed most of the questions. We should conclude now. Yeah. Half an hour, we are actually ahead of time. Time is not an issue. Yeah. So if anyone is having doubts or queries, you may post me or sir directly, no problem. We are concluding this session. So I would like to thank you first, sir. You have taken, actually you take out your time, valuable time, and given us so much. It's my pleasure. Thank you, sir. Yeah. It was a wonderful session. A very new and good inputs. Everyone might have got. Even I have learned a lot. It was informative, knowledgeable session, and full of practical things.
So I hope it will be very helpful for all the participants. And again, for all the participants for attending this session, I'm very thankful to all of you. I'm gratitude to everyone. So let's conclude today's session then. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.